आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू। रिव्यू में सबसे पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसर, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, जिसमें पहला है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसको समझने के लिए मुझे कुछ स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक यहाँ पे करनी पड़ेंगी। अब आप अगर इसे ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको, जूम में जाके यहाँ 200 कर देता हूँ एंड देन ओके। आप अगर यहाँ ध्यान से देखो तो आपको दो तरह की मिस्टेक दिखाई देंगे, यहाँ पे दो तरह की अंडरलाइन आ रही हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है, एक रेड है और एक ग्रीन है, ठीक है, ध्यान से देखना, रेड और ग्रीन है। रेड लाइन जो है वो ये मेंशन करती है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक करी है, और ग्रीन लाइन क्या मेंशन करेगी कि आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक करी है। स्पेलिंग मिस्टेक का मतलब क्या है, जैसे अगर स्मॉल की स्पेलिंग SMALL होती है, हम अगर इसको गलत लिख दें SMALL कर दें तो ये इसको गलत शो करेगा, ठीक है। इसी तरह ग्रामर की मिस्टेक क्या होती है, जैसे वर्ड के बीच में स्पेस ज़्यादा दे दिया, कॉमा गलत जगह लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा गलत जगह लगा दिया, कोई कैपिटल वर्ड स्मॉल लेटर में लिखना था, हमने कैपिटल में लिख दिया, कैपिटल में लिख लिया था स्मॉल लिख दिया, तो ये सारी हमारी ग्रामर की मिस्टेक होती हैं। तो इस तरह दो तरह की मिस्टेक को ये सही करता है। तो इसको हम आते हैं रिव्यू में। सबसे पहला है स्पेलिंग एंड ग्रामर, इसकी शॉर्टकट की है F7, ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है F7, या फिर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से भी चला सकते हैं। आप इसे स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आप क्लिक करो, ये आपकी स्पेलिंग एंड ग्रामर की स्क्रीन आ रही है। अगर आप कीबोर्ड से F7 यूज़ करोगे तो भी वही स्क्रीन आएगी, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, एक शॉर्टकट की है और एक बाय माउस यूज़ करते हैं हम अभी शॉर्टकट की से लेके आते हैं। पहले हम व्यू में जा करके इसको 100 कर देते हैं ताकि जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट साइज है वो आ जाए। अब आप रिव्यू में आ जाओ। स्पेलिंग एंड ग्रामर, हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर की स्क्रीन पे देखा कि इग्नोर रूल, नेक्स्ट सेंटेंस चेंज, ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, और सबसे पहला आ रहा है ये ग्रीन कलर में। इसके ग्रीन कलर में आने का मतलब ये है कि ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, हमें इन दोनों मिस्टेक्स के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ ग्रीन कलर है इसका मतलब ग्रामर की कोई मिस्टेक, और क्या मिस्टेक है वो ये भी बताता है। ये ऊपर बता रहा है कैपिटलाइजेशन, यानी कि ये नीचे बता रहा है सजेशन में वाई कैपिटल होना चाहिए, ऊपर देखो वाई स्मॉल है और यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल होना चाहिए। हमने कहा ठीक है आप चेंज करो, यहाँ पे हमने चेंज पे क्लिक किया, वो चेंज हो चुका है पीछे। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट सेंटेंस पे आए तो ISW बता रहा है ये, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है क्योंकि ये रेड कलर में शो कर रहा है। अगर ये ग्रीन में होता तो ये ग्रामर की मिस्टेक होती, अब यहाँ पे रेड में शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है वो ये भी बताता है, ऊपर लिखा रहा नॉट इन डिक्शनरी, ऐसा वर्ड इसकी डिक्शनरी में नहीं है। एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा कि ये स्पेलिंग और ग्रामर जो चेक करता है, कहाँ से चेक करता है, कैसे चेक करता है, इसका तरीका क्या है चेक करने का। इसके चेक करने का तरीका ये है कि इसकी अपनी एक खुद की डिक्शनरी होती है, कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट एक डिक्शनरी होती है और उसमें वो सारे वर्ड होते हैं जो एक नॉर्मल डिक्शनरी में होते हैं, ठीक है, बल्कि उससे भी ज़्यादा होते हैं। तो कंप्यूटर में हम कोई भी फाइल बनाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, और जब हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं उसमें, तो ये उसी डिक्शनरी से मैच कराता है। अगर उस डिक्शनरी में ये वर्ड है तो ये इसको स्पेलिंग या ग्रामर की मिस्टेक नहीं शो करेगा, अदरवाइज़ ये उसको रेड या ग्रीन मेंशन कर देता है, जिससे क्या होता है हमें पता चल जाता है कि ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे ये रेड शो हो रहा है। ISW नीचे सजेशन दे रहा है कि IS होना चाहिए, हमने कहा बिल्कुल सही, यहाँ पे आप इसे चेंज कर दो। ये है MAON, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, डिक्शनरी में भी नहीं है, ठीक है। ये नीचे सजेशन दे रहा है MON, MAIN, मून, मैसन, मैन, मोन्स, तो ये कुछ इससे रिलेटेड वर्ड
बता रहा है कि आपका ये वर्ड हो सकता है। अब मान लो कि तुम्हारा तुम्हें लगना है, जैसे अब अगर मैं यहाँ पे श्याम लिखूँ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा राम एंड श्याम आर गुड बॉय। अब आप यहाँ पे देखो, ये श्याम वर्ड के नीचे भी रेड लाइन शो कर रहा है, जबकि श्याम एक वर्ड है, ठीक है, श्याम एक नाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेड लाइन ही क्यों शो कर रहा है? बिकॉज ऑफ डिक्शनरी में ये वर्ड नहीं मिलेगा आपको। डिक्शनरी में वही वर्ड मिलते हैं जिनकी कोई मीनिंग होती है, और श्याम एक नाम है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। तो इसी तरह आप F7 से जब चेक करेंगे तो श्याम यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। अब इससे रिलेटेड देखो, ये सारे वर्ड दिखा रहा है कि आपका ये वर्ड हो सकता है, ठीक है। इसलिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जैसे जो नाम होते हैं या कुछ, तो वो एक्चुअली में हमारे लिए सही होते हैं, लेकिन कंप्यूटर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो गलत होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर एक साइंटिफिक मशीन है, वो अपने रूल्स पे चलती है। अब आप इसे यहाँ पे क्या करोगे? इग्नोर करोगे, चेंज नहीं करोगे, आप इसे इग्नोर करोगे। इग्नोर कर दिया आपने, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नहीं कैंसिल करो, दोबारा से F7 चेक करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया हम आर, राम एंड श्याम आर गुड बॉय। ये हमें कह रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे ये ग्रीन कलर आ रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि आप इसको इज में बदलो, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक बता रहा है, और वो मिस्टेक क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। हम कहते हैं इग्नोर करो। अब यहाँ पे आ गए हम, ये रेड कलर में आ रहा है, नीचे सजेशन दे रहा है और ऊपर बता रहा है नॉट इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में नहीं है। अगर आप इसी वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी कर दोगे तो ये वर्ड कंप्यूटर की डिक्शनरी में नेक्स्ट टाइम ऐड हो जाएगा, जैसे कि अभी श्याम वर्ड पे ये रेड लाइन शो कर रहा था। तो मैं अगर श्याम वर्ड को ऐड टू डिक्शनरी कर दूँ, यहाँ पे जो लिखा आ रहा है ऐड टू डिक्शनरी, तो वो श्याम वर्ड उसकी डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा कंप्यूटर की डिक्शनरी में, और नेक्स्ट टाइम जब तुम श्याम वर्ड लिखोगे तो वो उसको गलत नहीं बताएगा, सही बताएगा, ठीक है। आप इग्नोर, इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, इग्नोर वंस का मतलब एक एक करके इग्नोर करोगे आप, इग्नोर ऑल का मतलब ये एक बार में सब इग्नोर कर देगा। इसी तरह आपका ऐड टू डिक्शनरी हो गया, वर्ड आप डिक्शनरी में ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम उसको गलत नहीं बताएगा। चेंज, आप नीचे दिए सजेशंस में किसको चेंज करना चाहते हो, कौन सा वर्ड लेना चाहते हो, वो चेंज, चेंज ऑल में वो एक बार में चेंज कर देगा सारे। हम इसको इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आया, ये सजेशन दे रहा है एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ ये बता रहा है, दिस इज द मे, ये कह रहा है यहाँ पे स्पेस तुम्हारा एक्स्ट्रा आ गया है। तो हमने कहा ठीक है आप चेंज करो, उसने स्पेस को कम कर दिया है। यहाँ बता रहा है पंचुएशन की गलती है, नीचे सजेशन भी दे रहा है ये, हमने कहा ठीक है चेंज करो, यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस का बता रहा है ये, क्योंकि ये सारे ग्रीन में आ रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, चेंज कर दो। यहाँ भी ग्रामेटिकल मिस्टेक है पंचुएशन की, चेंज करो, एक्स्ट्रा स्पेस बता रहा है ये, चेंज करो आप, चेंज 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 ऑल का ऑप्शन खैर इसमें नहीं आ रहा, इसलिए हमें यहाँ पे एक एक चेंज ऑल कर दो, यहाँ पे चेंज ऑल, फिर एक एक करके आप कर सकते हो इस तरह से, चेंज ऑल, पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अभी भी कुछ वर्ड्स के नीचे आ रहा है तो आप उसे चेंज कर दो, क्योंकि हमने वो इग्नोर कर दिया था इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। अब देखो कहीं भी रेड या ग्रीन नहीं है, ठीक है, ये आपका था स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके बाद आपका थीसर, थीसर होता है हमारा मिलते जुलते शब्द को ढूंढने के लिए। आप इसमें कोई भी वर्ड टाइप करो, वो ये थीसर क्या करेगा, थीसर उससे मिलते जुलते सिमिलर वर्ड्स ढूंढ देगा। जैसे हम करते हैं SMH स्मॉल, आप यहाँ पे क्लिक करो गो पे, आप देखो लिटिल, मिनट, टिनी, ये सारे वर्ड इसने ढूंढ दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कंप्यूटर, आप यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो प्रोसेसर, CPU, CPU, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, PC, लैपटॉप, नोटबुक, ठीक है। तो इस तरह से ये मिलते जुलते वर्ड अगर तुमने ढूंढे, मान लो तुम कोई स्टोरी लिख रहे हो इंग्लिश में, तो तुम्हें एक ऐसा वर्ड आ गया हिंदी में कि तुम्हें उसकी इंग्लिश नहीं पता,
तो तुम उस उससे मिलता जुलता कुछ भी टाइप कर दो तो कंप्यूटर क्या 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 करेगा थीसर, वो उससे मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड दिखा देगा। ठीक है, तो ये होता है थीसर। ट्रांसलेट में एक्चुअली में क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड अपने ट्रांसलेट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा है स्मॉल ट्रांसलेशन, ठीक है ना, आप ट्रांसलेट करो इस किस में फ्रॉम यूएस की इंग्लिश से किस में फ्रेंच में करना है। अब देखो इसने फ्रेंच में कर दिया यहाँ पे। इसी तरह वो लैंग्वेज मान लो तुम हिंदी में करना चाहते हो, नेक्स्ट देखो इसने किया नहीं। इसमें वो लैंग्वेज एक्चुअली में इंस्टॉल होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, देखो हिंदी तो है इसके अंदर, आप देखो यहाँ पे मैंने यहाँ स्मॉल टाइप किया, ट्रांसलेशन पे यहाँ पे क्लिक हुआ पड़ा है इंग्लिश। ठीक है, अब आप यहाँ देखो टाइप किस में फ्रॉम में इंग्लिश आ रहा है और टू में हिंदी आ रहा है। ध्यान से देखो आप, फ्रॉम में इंग्लिश आ रहा है, टू में हिंदी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ने यहाँ पे इसका छोटे स्मॉल का मतलब छोटे। अब आप देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कंप्यूटर, आप यहाँ पे क्लिक करो, नहीं कर पाया, कुछ और करते हैं। एक्चुअली में कनेक्ट होता है इंटरनेट से, यहाँ पे आप क्लिक करो, देखो मैंने यहाँ लॉन्ग लिखा था, ये इसने इसका ट्रांसलेट कर दिया। यहाँ पे देखो लंबे लिखा आ गया ना यहाँ पे, तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनको ट्रांसलेट कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह हम लिखते हैं यहाँ पे अगर मैं इसको सर्च करूँ, ये नहीं करेगा, नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से हमारे वो लैंग्वेज अगर इसके अंदर इंस्टॉल है तो ये ट्रांसलेट कर देगा, कोई भी आप एक वर्ड लिखो उसको ट्रांसलेट कर देगा। ठीक है, इसके बाद है आपका सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज का मतलब ये कि हमारा कंप्यूटर किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है, किस लैंग्वेज पे चल रहा है, इंग्लिश में ही क्यों चल रहा है, जापानी लैंग्वेज में क्यों नहीं चल रहा, फ्रेंच में क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट यूएस की लैंग्वेज सेट है। ठीक है, ये यूएस की लैंग्वेज पे चलता है। अगर इसके अलावा आप कोई और लैंग्वेज इसमें इंस्टॉल करते हो तो वो उस लैंग्वेज में चलेगा, जैसे कि अरब देशों में वहाँ की लैंग्वेज यूज़ होती है, जापान के अंदर जापानी लैंग्वेज में चलता है कंप्यूटर, इसी तरह से अफ्रीका में अफ्रीकन लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है ना, तो इस तरह से हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है। वर्ड काउंट, मैंने वर्ड काउंट पे क्लिक किया, अब ये पूरी डिटेल देता है, क्या पेज एक वर्ड तीन, तीन शब्द हैं, एक दो तीन, कैरेक्टर अक्षर गिने जाए तो नौ है, अक्षर विद स्पेस, कैरेक्टर अगर स्पेस के साथ गिना जाए दिस और इज के बीच में, इज और द के बीच में जो स्पेस है इस तरह से गिना जाए तो ये 12 हैं, पैराग्राफ एक है, लाइन एक है, तो पूरा आपने जो भी टाइप किया होता है उसकी पूरी डिटेल वर्ड काउंट के अंदर आती है इस तरह से। अगला है कमेंट। अब हम कमेंट देते हैं। कमेंट का मतलब ये होता है अगर किसी लाइन पे कोई कमेंट दिया हुआ है, देखो आप कमेंट कैसे दोगे, आप लाइन को सिलेक्ट करो, जिस लाइन पे आपने कमेंट देना है, जिस वर्ड पे कमेंट देना है, जिस हेडिंग पे कमेंट देना है आपने वो सिलेक्ट करना है। आप न्यू कमेंट में आओ, ये यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट आ जाता है, इस तरह से आपने यहाँ पे कमेंट दिया, कुछ भी लिख दिया आपने। ठीक है, इसी तरह आप इस लाइन पे कमेंट देना चाहते हो, आप इस लाइन को सिलेक्ट करोगे। कमेंट का मतलब यही होता है अगर यहाँ इस तरह से किसी पैराग्राफ पे या किसी लाइन के ऊपर या किसी वर्ड के ऊपर रेड लाइन आ रही तो इसका मतलब यह है कि इस पे कोई स्पेशल बात कही गई है, और वो क्या बात कही गई है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक किया,
ये हो गया, तो ये दो कमेंट हमने दे दिए, ठीक है। और भी कमेंट दे सकते हो आप इसमें। न्यू कमेंट पे गए, एक कमेंट और दे देते हैं यहाँ लास्ट वाली लाइन पे। ये हमने सिलेक्ट किया इस तरह से और न्यू कमेंट में जा करके कमेंट दिया हमने। ये मैंने चार कमेंट दिए। अब यहाँ से आप प्रीवियस पिछले कमेंट पे देखो, पिछले कमेंट पे ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। तो इस तरह से आप प्रीवियस या नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। और अगर आपको कमेंट डिलीट करना है तो यहाँ पे आ जाओ, आप जिस कमेंट पे हो वो डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ सिंगल डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब कि आप जिस कमेंट पे हो खाली वही कमेंट डिलीट होगा। अगर आपने ये ले लिया डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट, तो सारे के सारे कमेंट एक बार में डिलीट हो जाएंगे, चाहे कहीं भी लगे हो उस फाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी डिलीट ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, ओके। इससे अगला हमारा ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस का यूज़ क्यों होता है मैं ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ट्रैक चेंजेस, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे आप फाइल बना रहे हैं, आपने डाटा टाइप कर रखा है और आपको अर्जेंट कहीं जाना पड़ जाए, दो मिनट के लिए, चार मिनट के लिए, जैसे या आपसे कोई मिलने आ गया, आप उसके साथ दो मिनट के लिए कहीं चले गए, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को या तो हम बंद करेंगे या फिर अपनी फाइल में हम ट्रैक चेंजेस लगा देंगे। ट्रैक चेंजेस अभी देखो ऑफ है, आप अगर ट्रैक चेंजेस को ध्यान से देखो तो ये देखो ऑफ है। अगर मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑन करने के बाद ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, आपको दिख रहा है। अब मैं ऑफ़ करूँगा तो ये ऐसा दिखाई देगा, मैं इसको ऑन कर रहा हूँ ये ऐसा दिख रहा है, मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ऑन कर देता हूँ, ओके, ये ट्रैक चेंजेस ऑन हो गए। अब इससे होगा क्या, होगा ये कि अगर कोई आपकी फ़ाइल को डिलीट करता है, जैसे मान लो मैंने लाइन सेलेक्ट करी और मैंने इसे डिलीट किया, अब आप देखो ये डिलीट ना होकर के स्ट्राइक थ्रू हो गया है और इसके राइट साइड में यहाँ पे एक बार बन के आ गया है। ये स्ट्राइक थ्रू हो गया है और राइट साइड में एक बार बन के आ गया है। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें ये पता चल जाएगा कि भाई इस लाइन पे चेंज करने की कोशिश की गई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ इंसर्ट करने की कोई कोशिश करे तो वो इस तरह से होगा, अंडरलाइन होके आएगा रेड कलर में, ठीक है। तो इस तरह से हमारी फाइल में किए गए चेंजेस हमें पता चल जाएंगे। अब हम इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ जाओ, नहीं पहले थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपने देखो कहीं भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, चेंजेस आपको साफ नज़र आएंगे। आप सोच रहे हो कि मतलब ये एक लाइन हम इसकी डिलीट कर दें, तो डिलीट नहीं होगी लाइन, बल्कि स्ट्राइक थ्रू हो जाएगी लाइन इस तरह से। अब आपका वही सेम प्रोसेस, प्रीवियस 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 प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हर ट्रैक चेंजेस पे जाएगा, ठीक है। प्रीवियस करो पिछले पे आएगा, नेक्स्ट करो अगले ट्रैक चेंजेस पे आएगा, ठीक है, क्लियर। इसी तरह आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट, आप क्या चाहते हो, ये ट्रैक चेंजेस ऐसे कैसे लगे रह जाएं या फाइल जिस कंडीशन में हम छोड़ के गए थे उस कंडीशन में वापस आ जाए। आप कहते हो कि अगर फाइल को पुरानी कंडीशन में वापस लाना चाहते हो तो आपको ट्रैक चेंजेस रिजेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप फाइल को इसी कंडीशन में छोड़ना चाहते हो तो आपको ट्रैक चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मैं एक रिजेक्ट करके दिखाता हूँ, रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। देखो फाइल पहले वाली कंडीशन में वापस आ गई, ओके। लेकिन काम हम अभी नहीं कर सकते, क्यों, अगर मैं अभी कुछ डिलीट करने की कोशिश करता हूँ या कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ तो फिर वैसे ही आ रहा है ये। इसका भी रीज़न है, इसका रीज़न ये है, देखो डिलीट कर रहा हूँ तो ऐसे हो रहा है कि ये ट्रैक चेंजेस यहाँ से ऑफ नहीं है। जब मैं इसको यहाँ से ऑफ करूँगा तब ये सही कंडीशन में है। जैसे मैं यहाँ से पहले रिजेक्ट करता हूँ, रिजेक्ट ऑल चेंजेस इन डॉक्यूमेंट, अब मैं यहाँ से ट्रैक चेंजेस को ऑफ करता हूँ। अब आप देखो काम करके क्या वैसा ही काम हो रहा है। पहले मैं कुछ एरिया सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, देखो डिलीट हो गया। कुछ इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखो इंसर्ट भी हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में, ओके, ये कुछ नहीं। इसके बाद आप आ जाओ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, आप देखो रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग पे क्लिक करो आप सबसे पहले। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इसमें पहला बॉक्स अनचेक है, इसे आप चेक कर दो, इस बॉक्स पे भी चेक एंड इस बॉक्स पे भी चेक, तीनों पे चेक के नीचे। इसके बाद यस स्टार्ट एनफोर्सिंग प्रोटेक्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे सामने स्क्रीन आएगी पासवर्ड,
इसमें आप पासवर्ड डालो, मैंने दिया 1 2 3, पासवर्ड कुछ भी हो सकता है जो भी आप देना चाहो। री एंटर पासवर्ड टू कन्फर्म 1 2 एंड 3, देन ओके। अब आप यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहो तो ये शीट प्रोटेक्ट हो चुकी है, ना तो आप कुछ लिख सकते हो ना डिलीट कर सकते हो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। अब आप इसे जब तक कि स्टॉप प्रोटेक्शन नहीं करोगे तब तक लिख नहीं पाओगे। आप इसे स्टॉप प्रोटेक्शन करो 1 2 3, इसे आप करो ओके। अब आप ये बंद कर दो यहाँ से। अब आप इसमें कुछ भी लिखो, कुछ भी इंसर्ट करो या कुछ भी डिलीट करो, सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन डॉक्यूमेंट में हम यहाँ से पासवर्ड लगा के अपनी फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई डाटा में चेंजेस ना कर पाए। ओके।